हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिम बस में। अभी आप देख रहे हैं हमारी वार्ड वन सीरीज़, और ये वीडियो इस सीरीज़ का फोर्थ पार्ट है। इसके पहले के पार्ट्स में हम किश्तवाड़ से शुरू करके सिंथन टॉप, दक्सुम, वायलू और मरगन टॉप होते हुए यहाँ वार्ड वन घाटी के इंशन गांव में पहुँच चुके थे। अब इस पार्ट में हम निकलेंगे खूबसूरत वार्ड वन घाटी की सैर पर। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। पिछले कल हम शेयर टैक्सी से इंशन पहुंचे थे और फिर होटल में चेक इन किया। ये होटल के ओनर गुलाम मोहम्मद राठर जी हैं, जो पहले जम्मू में इलेक्शन ऑफिसर थे और अब ये होटल चलाते हैं। इनके बेटे के साथ हमारी थोड़ी जान पहचान है और उन्हीं के थ्रू हमें इस जगह का पता चला। जर्मन वाला। यस, जर्मन वाला। हम किसी जॉब में बैठे जो अच्छा है, बहुत अच्छी जगह बैठे हो, झोपड़ा नहीं है, बहुत अच्छी जगह। फिर चाय नाश्ते के बाद हम नीचे नदी तक घूम कर आए। इस होटल का नाम वार्ड वन रिजॉर्ट है और घाटी के एंट्री पर ही इस सुंदर लोकेशन पर ये बनाया गया है। सामने सुंदर घाटी और नदी का व्यू मिलता है, और शाम में आप नीचे यहाँ फिश पॉन्ड के पास आकर वक्त गुजार सकते हैं। फिर वापस आकर हमने डिनर किया। डिनर में अंकल जी ने हमारे लिए राजमा चावल बनवाए हैं। वेजिटेरियन खाना वैसे इस तरफ कम ही बनता है। इसके बाद फिर हम रूम पर आकर सो गए। फिर अगली सुबह हम 9 बजे के करीब उठे। मौसम आज काफ़ी अच्छा है और हल्की धूप भी खिली हुई है। वार्ड वन घाटी जम्मू कश्मीर की सबसे सुंदर घाटियों में से एक है। ये घाटी जम्मू डिवीज़न में किश्तवाड़ ज़िला के माड़वा सब डिवीज़न में आती है। ये घाटी 2134 मीटर के एलिवेशन पर है, पर यहां पहुंचने के लिए 3750 मीटर ऊंचे मरगन पास से होकर आना पड़ता है। घाटी के उत्तर में कश्मीर है, पूर्व में लद्दाख, जबकि दक्षिण में है किश्तवाड़। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घाटी में बिजली नहीं है। ये दोनों ब्लॉक्स यानी वार्ड वन और आगे माड़वा देश के उन ब्लॉक्स में से हैं जहां आज़ादी के 75 साल बाद भी बिजली नहीं पहुंची है। और हैरानी की बात ये भी है कि बिजली के पोल्स यहां पर 3-4 साल पहले लग चुके हैं, पर बिजली ना जाने कब तक पहुंचेगी। यहां अभी सोलर पैनल से काम चलाया जाता है, और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात ये है कि अगले साल तक जियो फाइबर यहाँ पहुँच जाएगी, पर बिजली के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यहां वार्ड वन घाटी के गांव घूमने के लिए हमें एक गाड़ी तो चाहिए ही होगी, पर यहां कोई टैक्सी स्टैंड जैसा नहीं है जहां प्राइवेट टैक्सी बुक की जा सके। लारनू से जो मैक्सिमम टैक्सीज आती हैं वो यहाँ वार्ड वन के बाद माड़वा चली जाती हैं, और फिर सुबह वहाँ से कुछ सवारियाँ लेकर बाकी यहाँ से भर जाती है। तो ऐसे में प्राइवेट टैक्सी मिलना काफ़ी मुश्किल है। ये सारी टैक्सीज माड़वा और वार्ड वन के आगे वाले गांव से आई हैं और अभी वापस लारनू जाएंगी। अंकल जी भी हमारे साथ आए और टैक्सी ढूँढने में हमारी मदद कर रहे हैं, पर बात नहीं बनी। फिर हमने सोचा कि नाश्ता कर लेते हैं और बाकी फिर देखते हैं। होटल में जम्मू साइड से भी कुछ टूरिस्ट आए हैं और वो आज वापस जा रहे हैं। अभी टैक्सी ढूंढने में हमारे 1-2 घंटे वेस्ट हो गए तो थोड़ा बुरा भी लग रहा है, पर कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है।
नाश्ते में हमने यहाँ परांठे के साथ गोभी की सब्जी और साथ में चाय पी। फिर कुछ जुगाड़ करके यहाँ होटल में जो कुक हैं एहराज, उन्होंने अपने कज़न से गाड़ी पूरे दिन के लिए हमें घुमाने के लिए मांग ली। इस गाड़ी से हम माड़वा तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ रोड ख़राब है, पर एटलीस्ट वाड़वन घाटी में तो घूम ही लेंगे। फाइनली हम 11 बजे होटल से निकल गए। पहले चलते हैं चेक पोस्ट के सामने वाले गांव की तरफ। वाड़वन घाटी में करीब 14 गांव हैं जो इस ब्रिज के चारों तरफ बसे हैं। पहले हम उरीवन, ब्रायन, चोईद्रमन और बसमीना होकर आते हैं। जैसा कि आपने देख ही लिया कि बिना अपनी गाड़ी के यहाँ आसपास घूमना काफ़ी मुश्किल है। अगर कोई सूमो मिल भी जाती है फिर भी वो पूरी ऑक्यूपेंसी के हिसाब से चार्ज करते हैं, क्योंकि यहाँ प्राइवेट हायर का ज़्यादा चलन है ही नहीं। नदी किनारे बसे इन सुंदर गांव को देखकर लगता है कि यहाँ के लोग सचमुच जन्नत में रहते हैं। और ये वो बिजली के खंभे हैं जिनकी हम बात कर रहे थे। पोल्स तो कब के लग चुके हैं पर बिजली आना अभी बाकी है। उरीवन काफ़ी छोटा सा गांव था जो पीछे लेफ्ट में था। ये है ब्रायन गांव। यहां शौकत जी का घर भी है जो हमें कल टैक्सी में मिले थे, और हमें अपने घर भी बुला रहे थे तो वापसी में हम उनके घर भी जाकर आएंगे। फिर आता है चोईद्रमन गांव। यहां लगभग हर गांव में छोटी मोटी दुकानें हैं, पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ की उम्मीद यहां ना करें। यहां बीच से एक सुंदर नाला भी बहता है। यहाँ प्राइमरी और मिडिल स्कूल तो सारे गांव में हैं, पर हाई स्कूल सिर्फ 2-3 गांव में ही हैं। यहाँ घाटी में आपको एटीएम या पेट्रोल पंप जैसी सुविधा नहीं मिलेगी। फिर यहाँ कावेड के पास एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, तो यहाँ हम रुक गए। जहाँ हम रुके हुए हैं वो होटल तो अभी ही बना है,
उससे पहले जो लोग यहाँ घूमने आते थे वो अक्सर इन्हीं खुले ग्राउंड्स में कैंपिंग किया करते थे। अभी यहाँ एक टेम्परेरी कैंपिंग साइट बना दी गई है और गांव के लोग यहाँ खेलने भी आते हैं। जम्मू साइड से आए टूरिस्ट भी यहाँ कैंप लगाकर खाना पका रहे हैं। यहाँ फिर हम नदी के थोड़ा पास आए। इस घाटी में बटकोट और गुंबर नाम के दो नाले बहते हैं जिनके संगम से वाडवन नदी बनती है। इसी नदी को आगे चलकर मरुसुदर नदी के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि हम पिछले पार्ट्स और चिनाब सीरीज में बता चुके हैं कि मरुसुदर नदी चंद्रभागा यानी चिनाब नदी की एक बड़ी सहायक नदी है। इस कैंपिंग साइट का नाम वाडवन वैली इको रिजॉर्ट्स है और यहाँ दो लोगों का टेंट करीब 2000 रुपए के आसपास है। खाने का खर्च अलग से रहता है। हमने यहाँ धूप में बैठकर चाय पी और यहाँ चाय अकेले सर्व नहीं की जाती, आपको साथ में रोटी, ब्रेड, बिस्किट या कचौरी मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद हम चल पड़े अगले गांव बसमीना की ओर। यहाँ की मिट्टी थोड़ी रेतीली है पर यहाँ पर आलू, मटर, गोभी, मक्की और राजमा की अच्छी पैदावार हो जाती है। घाटी के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती ही है लेकिन बाहर कम ही उत्पाद बेचा जाता है। सर्दियों में बर्फ पड़ती है तो सारी पैदावार उस समय के लिए बचाकर रख ली जाती है। यहाँ अभी जुलाई में भी काफ़ी ठंड है और दिन में भी स्वेटर की ज़रूरत पड़ती ही है, तो सर्दियों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ठंड रहती होगी। ये है बसमीना गांव, जो इस तरफ आखिरी गांव है। इस गांव में हाई स्कूल भी है और बसमीना के अलावा बस इंशन और मरगी गांव में ही हाई स्कूल हैं। ये आगे जो रोड जा रहा है इसे ब्रिज से सामने वाले गांव को कनेक्ट किया जाएगा। अब हम चलते हैं वापस ब्रायन गांव की ओर। जहाँ ये घाटी इतनी खूबसूरत और मनभावन है वहीं यहाँ का जीवन उतना सरल नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पहुँचना। मरगन टॉप इस घाटी को जम्मू और कश्मीर के बाकी शहरों से जोड़ता है, लेकिन जब सर्दियों में इस टॉप पर बर्फ गिर जाती है तो रास्ता एकदम बंद हो जाता है। फिर वाडवन घाटी के लोगों को 5-6 महीने तक यहीं रहना पड़ता है। उस समय घाटी के बाहर जाने का एक ही रास्ता होता है, मरुसुदर नदी के साथ साथ माडवा जाकर वहां से पैदल दक्षिण तक ट्रैक करके और फिर वहां से किश्तवाड़। इसमें करीब 2 दिन का समय लग जाता है। अभी माडवा से दक्षिण तक पक्का रोड भी बनने वाला है और उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्लियरेंस भी आ गई है, तो अब वाडवन से किश्तवाड़ पहुँचना काफ़ी आसान हो जाएगा।
ये है ब्रयान गांव। मुझे ये गांव काफ़ी सुंदर लगा क्योंकि सामने एकदम चौड़ी नदी है और बहुत ही सुंदर व्यूज़ हैं। तो अभी चलते हैं शौकत जी के घर। उनका घर भी एकदम गांव के टॉप पर है तो पूरी चढ़ाई चढ़कर जानी पड़ेगी। यहाँ पर ज़्यादातर घर लकड़ी के ही बने हैं और फ्लोर हाइट भी काफ़ी कम होती है। पहले जब एसटीडी हुआ करते थे तो ब्रयान गांव का एसटीडी शौकत जी के घर पर ही था। ये उनका पुराना घर है जहां अभी भी बोर्ड लगा हुआ है। नया घर अभी और ऊपर जाके है। तो हम पहुंच गए उनके घर और सबने हमारा काफ़ी उत्साह के साथ स्वागत किया। यहाँ घरों में फर्नीचर कम ही रखा जाता है और गद्दे नीचे ही बिछाए जाते हैं। ये उनके फादर हैं जो हमारे लिए अखरोट लेकर आए। अभी लंच टाइम हो रहा है तो वो हमें लंच ऑफर करते रहे, पर हम नॉन वेज नहीं खाते तो हमारे लिए वो चाय और बिस्किट ले आए। कोई टेंशन नहीं, समझो ये भी भाई है, इसको माँ अपना ही है। ये उनका सोलर सेटअप है। फिर इसके बाद उन्होंने हमें अपने नए घर का टूर भी दिया। ये अभी नया ही बनाया है। इसमें किचन सेटअप मॉडर्न है और अटैच्ड वॉशरूम्स भी हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम वापस आ गए। सच कहूँ तो यहाँ आने से पहले हमें भी डर था कि अनजान घाटी है, पता नहीं लोग कैसे होंगे, लेकिन लोग सच में काफ़ी वेलकमिंग है और डरने जैसी कोई बात नहीं है। अभी यहाँ टूरिज़्म काफ़ी कम है और अब होटल कैंप्स आ गए हैं तो उम्मीद है कि टूरिज़्म थोड़ा और बढ़ेगा। अब हम वापस होटल के पास आ गए और अब हम चलते हैं सामने वाले गांव की तरफ। पहले हम लेफ्ट साइड में आफ्ती गांव तक जाकर आएंगे। यहाँ नदी के इस पार से ब्रयान गांव का सुंदर व्यू दिखता है। फिर इस तरफ पहला गांव आता है मुगली।
और इसके बाद आता है आफ्ती। आफ्ती यहाँ का एक बड़ा गांव है और यहाँ पर तहसील ऑफिस और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है। आफ्ती के बाद आगे और भी गांव हैं जैसे मरगी, गुमरी, रिकिनवास और सुखनी। हम यहाँ से वापस हो जाएंगे। तो फाइनली हम पहुँचे इंशन गांव। यहाँ वाईफाई हॉटस्पॉट मिल जाता है, इसीलिए गांव के बच्चे काफ़ी टाइम उसके आसपास ही बैठे रहते हैं। पहले ये सुविधा लगभग हर गांव में थी, पर अब इंशन के अलावा बस जुहांग, रिकिनवास और गुमरी में ही हैं। इंशन में J&K बैंक, पुलिस स्टेशन और आर्मी कैंप भी हैं। पहाड़ों में कई दूर दराज की घाटियां ऐसी होती हैं कि जहां के लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। सबसे बड़ी चीज़ तो रोड कनेक्टिविटी ही है। सही रोड बन जाए तो फिर बाकी चीज़ों की पूर्ति तो हो ही जाती है। घाटी में मोबाइल नेटवर्क भी ना के बराबर है। BSNL का हल्का फुल्का 2G सिग्नल मिलता है और Jio का इंटरनेट कभी कभी चलता है। अच्छी रोड और इंटरनेट कनेक्टिविटी ना होने की वजह से ये घाटी बाकी दुनिया से एक तरह से अनजान ही है। इसके बाद आता है मूल वाडवन, जो कि एक और बड़ा गांव है और यहाँ भी ऊपर कुछ दुकानें हैं। मूल वाडवन से नीचे एक ब्रिज को रास्ता जाता है और ब्रिज के पार है बाटा गांव। बाटा गांव इस घाटी का सबसे खूबसूरत गांव माना जाता है। इसके बाद फिर आगे दो गांव आते हैं, जुनहांग और दसबाल। दसबाल गांव में लद्दाख के माइग्रेंट्स रहते हैं। इसके आगे फिर रास्ता माड़वा घाटी के लिए चला जाता है, जो कि आगे करीब 25 किलोमीटर दूर है। वहां भी ऐसे ही सुंदर गांव और एक हॉट स्प्रिंग भी है। नीचे यहाँ आलसवेड है। यहाँ यार्ड का मतलब होता है मैदान। वहाँ ब्रायन गांव के बाद जो बड़ा मैदान था उसका नाम कावेड था। गांव के बच्चे शाम में यहाँ खेलने आते हैं और नदी के किनारे जानवर भी चरते रहते हैं। तो ये था वाडवन घाटी के गांव का सफ़र। वाडवन घाटी को वैसे लॉस्ट वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाकी दुनिया में एक तरह से गुम ही है। इस घाटी से कई छोटे बड़े ट्रैक्स भी निकलते हैं। अभी तो इन ट्रैक्स का मेन यूज़ यहाँ के गुज्जर और बकरवाल लोग ही करते हैं। इनमें से सबसे पॉपुलर ट्रैक लेह से शुरू होकर यहाँ गुमरी में ख़त्म होता है, जिसमें करीब 9 दिन लगते हैं और कई एजेंसीज ये ट्रैक करवाती हैं। फिर हम आ गए वापस होटल। तो आपने देख ही लिया कि ये ब्रिज घाटी की कनेक्टिविटी के लिए कितना ज़रूरी है। वाडवन घाटी के आधे से ज़्यादा गांव के अलावा ये माड़वा जाने के लिए भी एकमात्र रास्ता है। आज इतना घूमे कि लंच तो रह ही गया। अब शाम हो गई है तो फिर होटल आकर हमने डिनर ही किया। डिनर में अंकल जी ने हमारे लिए स्पेशल पनीर की सब्ज़ी बनवाई है।
बिना लाइट और इंटरनेट के यहाँ करने को ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आज भी हम जल्दी सो गए। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके अगले यानी लास्ट पार्ट में हम आपको लेकर चलेंगे चौहारनाग यानी मरगन टॉप के ऊपर बनी चार लेक्स के ट्रैक पर। कुदरत के इन नज़ारों को देखकर आप सच में खुश हो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे इससे अगले पार्ट में। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।